वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO मेन का एग्जाम 30th नवंबर 2019 को संपन्न हुआ। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आए। सारे क्वेश्चंस को डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के शेप में ढाल दिया गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए जिसे हम मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है जो आया था, और उम्मीद है कि आप सभी जो एग्जाम दिए होंगे इसको जरूर सॉल्व किए होंगे। आई 3x women can do a piece of work in y days, 1.5x men can do it in y days, whereas x boys can do the same work in 3x days. In 3y days, in 3y days, ठीक है? Three y days. Eight men plus women plus boys can do the work in 22.5 days, whereas 9 men can do it in y plus 20 days. Find the value of y. यह आपसे पूछा है। दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक जनरल और दूसरा यूनिट वर्क मेथड। बोलिए कैसे सॉल्व करूं? जनरल मेथड से बात करता हूं, लेकिन अलग तरह से अप्लाई करना है। आप देखिए, फर्स्ट मेथड से मैं बात करता हूं। फर्स्ट मेथड देखिए, स्ट्रेंथ को इक्वल कर देते हैं। 3x women y days में कर सकते हैं, ठीक है? तो y days में वर्क करने के लिए 3x women चाहिए। जल्दी बोली, 3x women चाहिए। ओके, y days में वर्क करने के लिए 3x women चाहिए। 1.5x men वर्क करते हैं y days, तो y days में ही वर्क करने के लिए हमें 1.5 men चाहिए। समान समय में समान काम, स्ट्रेंथ समान होगा कि नहीं? X boys can do the same work in 3y days. No, y days में वर्क करने के लिए 3x y चाहिए। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, यानी हम बता सकते हैं इसका मायने ये है कि 1 women is equal to 1 boy, और ये भी कह सकते हैं कि 1 man is equal to 2 women और 2 boys. इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। आपको दिया हुआ है 8 men plus women plus boy. देखिए 8 क्या दिया हुआ है? Men plus women plus boys, है ना? हम लोग man के जगह पर 2 boys लिखते हैं, women के जगह पर boys लिखते हैं, और बॉय तो बॉय ही रहेगा। तो ये क्या हो गया बताइए? 4 × 8 = 32, इसको बोलेंगे ना 32 बॉयज, बोलेंगे ना 32 बॉयज। इसके बराबर हमारा स्ट्रेंथ है, और ये किसी वर्क को कर सकता है कितने दिनों में? 22.5 डेज में। तो 9 men का मतलब क्या होगा? 9 × 2 boys, यानी कि 18 boys इस वर्क को करेगा कितने दिनों में? आपको पता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। बेस्ट वे होता है इसे 4 टाइम्स कर दीजिए तो 90 ना हो जाए, और ये 4 यहां से ले लिए तो 8 ना हो जाए। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, यानी कि 40 डेज। और क्वेश्चन कहता है कि 9 में y प्लस 20 डेज में करते हैं, इज इक्वल टू y प्लस 20 डेज, व्हिच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 20। आंसर बोलिए, समझ में आया होगा?
ये एक तरीका है जो यहाँ पर ठीक ठीक सूट करता था और आप सॉल्व कर सकते थे। हालांकि आप इसको इफिशियंसी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम यूनिट वर्क मान लें। यूनिट वर्क कैसे मानेंगे, इधर आइए बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया ठीक है कि ये 20 डेज है। ओके, अब मैं सेकंड मेथड से बात करता हूं। सेकंड मेथड से बात करता हूं, सेकंड मेथड में क्या है, चलिए पूछ लेते हैं कौन कितने दिन काम कर सकता है। तो वन विमेन को बोले तो ये 3x इंटू वाई डेज में करेंगे वर्क। जल्दी बोलिए, वन विमेन, वन मैन इसे बोलेंगे तो 1.5x में है ना वाई डेज, तो 1.5x वाई डेज में करेंगे। और उसी तरह से अगर वन वाई को बोले तो वो कितने दिनों में करेगा, कितने, तो यहां लिखा हुआ है वन एक्स बॉयज तो 3x वाई डेज में कर सकता है। इसका सिंपल रेशियो ले लेते हैं, सिंपल डेज का सिंपल रेशियो ले लेते हैं, तो ये 2:1:1 होगा कि नहीं, ये 2:1:2 होगा कि नहीं, रेशियो 2:1:2। ये डेज हुआ, डेज यानी इफिशियंसी, वर्क का रेशियो हुआ 1:2:1:1:2, यानी अगर हम यहां पर लिखें वन मैन वन वन विमेन है ना, पहले वन विमेन वन मैन एंड वन बॉय, मतलब ये क्या हुआ, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, इनवर्स में होता है इफिशियंसी का रेशियो, यानी कि ये जो निकला 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1:2:1, यही इफिशियंसी का रेशियो हुआ। हम मान लें कि वन विमेन वन यूनिट पर डे वर्क करता हो, करती हूँ, ये 2 यूनिट पर डे वर्क करती हूँ, ये 1 यूनिट पर डे वर्क करता हूं, तो बस उसके बाद कुछ नहीं है। दिया हुआ है कि 8 मेन प्लस विमेन प्लस बॉय, देखिए 8 क्या है, मेन प्लस विमेन प्लस बॉय, तो हम बोल सकते हैं ओके मैन तो 2 यूनिट करेगा पर डे, विमेन 1 बॉय 1, यानी कहने का मतलब हुआ 32 यूनिट्स वर्क होगा, और वो वर्क कितने दिनों में खत्म होता है, 22.5 डेज में खत्म होता है। तो हम टोटल वर्क क्या बोलेंगे, टोटल वर्क जो होगा वो 32 यूनिट्स पर डे बनने लगेगा, साल बनने लगेगा, तो 22.5 डेज में खत्म होगा। 4 टाइम्स कर दीजिए, 8 × 90, देखिए 8 × 4 ले लीजिए 8, और 4 से कर दीजिए × 90, इतने यूनिट्स वर्क हुए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो 9 मेन अगर वर्क करे तो 9 मेन का मतलब हुआ 9 × 2 यूनिट्स पर डे, तो 8 × 90 यानी 18 से 5 टाइम्स, इतना यूनिट है ना, इज इक्वल टू 40 डेज। और ये क्या है, y प्लस 20 डेज है, यानी कि y इज इक्वल टू 20। मैंने दोनों मेथड से चर्चा की ये सोच करके कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको आगे IBPS क्लर्क का मेन एग्ज़ाम देना है, LIC असिस्टेंट का मेन एग्ज़ाम देना है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देना है, उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनको मदद मिले, सहूलियत मिले। बोलिए ये क्वेश्चन शानदार था कि नहीं, इसमें आपको मज़ा आया कि नहीं। मैं जो लाइव सेशंस ले रहा हूँ वो भी चलता रहेगा डिफरेंट करंट टॉपिक्स पर। अभी मैं LIC मेन के लिए लूंगा लगातार लाइव क्लासेस, जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होना है प्री, उसके लिए भी कुछ क्लासेस लूंगा,
और उसके ठीक बाद आईबीपीएस क्लर्क मेन के लिए भी क्लासेस लूंगा। बस आप पढ़ने पर कंसंट्रेट कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।